हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताएंगे कि फेसबुक पे जब आप फोटो वाली स्टोरी के ऊपर जो म्यूजिक ऐड करते हो, वैसे ही आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जो फोटो लगाते हो उसके ऊपर आप कैसे म्यूजिक ऐड कर सकते हो, या कैसे आप उस व्हाट्सएप स्टेटस वाली जो फोटो होती है उसके ऊपर कैसे आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो, कैसे आप म्यूजिक लगा सकते हो। आज यह वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। यह कोई व्हाट्सएप का फीचर नहीं है कि आप उसके जरिए आप व्हाट्सएप स्टेटस में जो फोटो लगाते हैं उसके ऊपर आप म्यूजिक ऐड कर सके। यह ओनली फॉर एक ट्रिक है। आप उस ट्रिक के जरिए ही आप व्हाट्सएप स्टेटस में फोटो के ऊपर म्यूजिक लगा सकते हैं। तो यह ट्रिक कैसे आपको यूज करनी है, तो आज मैं इस वीडियो में इसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी इस वीडियो को, या आप भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में फोटो के ऊपर म्यूजिक लगाना चाहते हैं, तो आप यह वीडियो एंड तक देखें। और अगर आप इस वीडियो के जरिए आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल बेल आइकन को सिलेक्ट करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी है, तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है। अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देखें कि कैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने बनाया हुआ है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करें, आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो यह जो आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आपको यह प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, या फिर गैलरी ओपन हो जाएगी। जैसे फ्रेंड आप देख रहे हैं, मैंने उस फोटो को सिलेक्ट कर ली है जो फोटो मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे म्यूजिक के साथ लगाना चाहता हूँ, वही फोटो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट कर लेने के बाद जो आपको यह ऑप्शन दिख रहा है, यह जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको अपनी इस फोटो को थोड़ा अट्रैक्टिव बना लेना है। जिस भी तरह आपको इसमें कोई भी आपको इफेक्ट अच्छा लगता है, वह इफेक्ट आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद आपको इस फोटो के ऊपर म्यूजिक ऐड करना है, तो आपको नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप यह देख रहे हैं। इस म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद तो आपको जो भी सॉन्ग आपको अच्छा लगता है, आप उसके राइट साइड में जो प्ले ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आप देख रहे हैं यह सॉन्ग स्टार्ट हो गया है। मैंने इसका ऑडियो बंद कर दिया है ताकि आप वीडियो में कॉपीराइट ना आए। इसके बाद आपको अगर यह सॉन्ग अच्छा लगता है तो आपको इस सॉन्ग के ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आप यह सॉन्ग आपके फोटो के ऊपर ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद आप नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आप स्क्रॉल करके आप जहाँ जो भी लाइन आप इस सॉन्ग के ऐड करना चाहते हैं वह आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट कर लेने के बाद अगर आपको इसका फॉन्ट जो लिरिक्स आ रहे हैं इसको आपको चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं जो नीचे ये इतने सारे, तो आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है आप उस फॉन्ट के सिलेक्ट करें। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है आप वह फॉन्ट सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अगर इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो सबसे ऊपर जो डन दिख रहा है इसके लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और इस फॉन्ट का कलर भी चेंज होते रहेगा। बार बार जैसे आप टच करोगे वैसे वैसे इस फॉन्ट का कलर चेंज होता रहेगा। तो इस तरह आप अपने फ़ोटो के ऊपर म्यूजिक और लिरिक्स लगा के उस लिरिक्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको यह पोस्ट शेयर कर देनी है। नीचे सबसे नीचे जो आपको राइट साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है सेंड टू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आप अपने यूअर स्टोरी, जो सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है यूअर स्टोरी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपकी यह स्टोरी आपके इंस्टाग्राम पर शेयर हो जाएगी। शेयर हो जाने के बाद फ्रेंड आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है। उस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है। जाने के बाद आपको स्टोरी सेवर फॉर इंस्टाग्राम, इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आपको अपने इसको अपने इंस्टाग्राम लॉगिन विद इंस्टाग्राम से लॉगिन कर लेना है।
लॉगिन कर लेने के बाद आपको अलाउ का ऑप्शन मिलेगा। इस अलाउ के ऑप्शन के ऊपर आपको अलाउ कर देना है। कर देने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश तो फ्रेंड जैसे आपने इसको रिफ्रेश किया, सबसे ऊपर आपका जो जो आपने स्टोरी लगाई थी वह आ जाएगी, और आ जाने के बाद आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपकी स्टोरी ओपन हो जाएगी। हो जाने के बाद आपको फिर से अपनी स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद जो सबसे ऊपर आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड में, सबसे ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आप नीचे देख रहे हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन आया था, डाउनलोडिंग का, और ये ऑप्शन या आपकी स्टोरी डाउनलोड हो गई है। हो जाने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद आपको स्टेटस के ऊपर जाना है। स्टेटस के ऊपर जाने के बाद आपको जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल करके ऊपर आना है। ऊपर सबसे ऊपर आपको अपनी जो स्टोरी आपने डाउनलोड की थी वह स्टोरी म्यूजिक के साथ आपके फ़ोन में सेव हो गई है, आपकी गैलरी में सेव हो गई है। उस स्टोरी को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के लिए आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको इसका मैं म्यूजिक थोड़ा खोल के दिखाता हूँ। इसके बाद आपको अपने यह जो फ़ोटो के ऊपर जो सॉन्ग ऐड किया है आपने, इस फ़ोटो को आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर देनी है। शेयर कर देने के बाद आपकी यह जो फ़ोटो के ऊपर जो आपने म्यूजिक ऐड किया था यह आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर हो जाएगी। इस तरह आप अपने जो फेसबुक आईडी पे जो फ़ोटो लगा के जो सॉन्ग ऐड करते हैं, वैसे ही आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो फ़ोटो लगाते हैं उसके ऊपर सॉन्ग लगाकर उसको भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल बेल आइकन को सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। थैंक यू।